Hello student, in the previous video we have started that way of expressing the concentration, way of expressing the concentration और उसमें हम लोगों ने way of expressing concentration को दो part में divide किया था. कौन से दो part में? Volume related and mass related concentration terms. और हम लोगों ने एक उसमें से वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस भी किया था. क्या था वो? परसेंटेज बाय वॉल्यूम. क्या था? परसेंटेज बाय वॉल्यूम. इसी चीज़ को मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ और आओ देखते हैं सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच आर व्हाट वॉल्यूम रिलेटेड एंड उससे हम किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह डिटरमाइन करते हैं. तो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. क्या? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. तो सेकेंड वन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसको न्यूमेरिकल के अंदर ना हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट है, डब्ल्यू बाय वी लिखा जाता है. क्या लिखते हैं हम लोग? डब्ल्यू बाय वी लिखेंगे. अब ये क्या होता है? इसको समझने के लिए ना मैं यहाँ एक बीकर लेता हूँ. क्या लेता हूँ बच्चा लोग? बीकर. और उस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया है? अगेन आई एम टेकिंग अ 100 ml वाटर. 100 ml वाटर ले लेता हूँ यहाँ. और इसी बीकर के अंदर मैं क्या करता हूँ? एक 5 ग्राम, आई एम टेकिंग व्हाट? 5 ग्राम शुगर ऐड कर देता हूँ. चीनी ऐड कर देते हैं 5 ग्राम और उसको स्टर करता हूँ. जब मैं स्टर करूँगा ना तो ये शुगर जो है उसके अंदर क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा और आपको एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा. अच्छा बच्चा लोग बताओ मुझे, ये जो 5 ग्राम है, ग्राम मतलब मैंने वेट लिया हुआ है और ये क्या है? 100 ml मतलब मैंने क्या लिया है? वॉल्यूम लिया हुआ है. क्या लिया है? वॉल्यूम. ये ml में दिया तो ये वॉल्यूम हो गया. तो ये क्या है? वेट बाय वॉल्यूम है कि नहीं है? क्या है? वेट बाय वॉल्यूम. तो व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन. 100 ml सॉल्यूशन. सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. आपने क्या किया था? 5 ग्राम को 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपने डिजॉल्व किया था. तो इट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन. नाउ दिस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैन बी रिटन एज weight by volume can be written as amount, that is what? weight of solute upon volume of solution into क्या होगा? 100, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज लिया है ना, तो इंटू 100. तो इफ आई नो द वेट ऑफ सॉल्यूट, आई नो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आई कैन इजीली डिटरमाइन द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मुझे बताओ इसका क्या होगा? 5 ग्राम 100 है, मतलब ये क्या होगा? 5% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाएगा. 5% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, राइट? अब मुझे बताइए आप लोग, ये क्या है? वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है. मतलब क्या? यदि वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज. और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑल्सो चेंजिंग. That means what? It is a temperature dependent concentration term.
temperature dependent concentration term. So this is my second way of expressing the concentration of any solution, that is percentage weight by volume. Now let us see one numerical based on this और सीखते हैं कि उससे हम लोग किसी का सोल्यूशन किस सोल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किस तरह डिटरमाइन किया जा सकता है, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है और कोई दूसरा पैरामीटर पूछा है तो हाउ टू डिटरमाइन, लेट अस स्टडी बाय न्यूमेरिकल. तो एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं यहाँ न्यूमेरिकल. An aqueous solution containing 30% weight by volume urea. The density of solution is density of solution is 1.2 gram per ml दिया है और अपने को पूछा है कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या पूछा है मेरे को? मास ऑफ सॉल्वेंट. कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट. आपको एक बात बता दूं, कभी भी यदि आपको कोई दो, मैंने आपको बोला कॉन्सेंट्रेशन को मैं दो तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, एक तो वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा मास रिलेटेड. यदि मुझे मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है या वॉल्यूम को मुझे मास में कन्वर्ट इंटरचेंज करना है, इंटर कन्वर्जन करना है, तो आपके न्यूमेरिकल के अंदर एक एडिशनल डेटा दिया होना चाहिए और वो है क्या? डेंसिटी. क्या होना चाहिए? डेंसिटी. ये डेंसिटी दिया है तो आई कैन इंटर कन्वर्ट द वेट एंड वॉल्यूम, राइट. तो यहाँ देखो वही दिया है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, पहली बात तो मैं ये न्यूमेरिकल को रीड करूँगा ध्यान से और इस न्यूमेरिकल के अंदर व्हाट इज द डेटा गिवन आई विल प्रेफर टू राइट फर्स्ट. यदि मुझे डेटा समझ गया अच्छे से कि क्या दिया गया है तो न्यूमेरिकल बिकम व्हाट इजियर. एंड ये डेटा मालूम है तो बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज द डेटा गिवन इन द न्यूमेरिकल वी कैन यूज द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली एंड वी डिटरमाइन द रिस्पेक्टिव थिंग व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, राइट. तो हम लोग आते हैं, पहले इसका एक डेटा लिख देता हूँ. क्या दिया गया डेटा के अंदर? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो आई विल राइट हियर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1.2 ग्राम पर ml. दूसरा दिया है मेरा दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है. वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया है? 30%. और अपने को बोला है, क्या बोला है? टू फाइंड मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहां मैं ऐसा लिखता हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो मास ऑफ सॉल्वेंट के इधर आप क्या कर दोगे? क्वेश्चन मार्क. अब देखते हैं ये जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 30% वेट बाय वॉल्यूम मींस, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ लिया था 5 ग्राम 100 ml सोल्यूशन वाटर के अंदर डिजोल्व किया था, इसका मतलब 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. तो सेम भी यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 100 ml सोल्यूशन. 100 ml सॉल्यूशन मतलब इससे मुझे दो डेटा जनरेट हो गया. क्या दो डेटा? एक तो मास ऑफ सॉल्यूट मुझे मिल गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना आएगा? 30 ग्राम आएगा. दूसरा है मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन.
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है ml में है, 100 ml। बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम, 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट। 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 70 ग्राम सॉल्वेंट, ऐसा आंसर लिखते हैं। बट 70 ग्राम सॉल्वेंट नहीं होगा, क्यों? और ये रॉन्ग है, कैसे? ये 100 ml है, ml की यूनिट, ये ml में है और ये ग्राम में, कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे? यूनिट्स आर नॉट सेम। सो पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो इसलिए मैंने एक डेटा दिया था, क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है m अपॉन v, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर m इक्वल टू होगा d इंटू v, व्हाट इज d, 1.2, और ये कितना है 100, तो ये आएगा 120 ग्राम। मतलब m मतलब वॉट, मास ऑफ सोल्यूशन मुझे यहाँ मिल गया है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज माय व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ यू नो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे आपको मालूम है सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होगा क्या, सॉल्यूशन का 120 माइनस 30, यू विल गेट व्हाट, 90 ग्राम, दैट इज व्हाट मास ऑफ योर सॉल्वेंट, राइट। तो इसमें सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ डेंसिटी। डेंसिटी देने का एक ही रीजन था, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वो ml में था, ml को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी लगेगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दूंगा तो जो मुझे मास मिल जाएगा। एंड आई गॉट व्हाट मास ऑफ व्हाट सॉल्यूट, आई नो दैट फ्रॉम 30% वेट बाय वॉल्यूम, तो 30 ग्राम, तो 120 माइनस 30 कर दूंगा तो 90 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ योर सॉल्वेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट?